राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन श्री वृंदावन राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 य तीर वन जारे, यमुना तीर वन जारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय गाइए राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम दशरथ नंद नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम कौशल्या नंदन सीता कौशल्या नंदन सीतारा कौशल्यानंदन सीतारा भद्रगिरीश्वर राजा राम भद्रगिरीश्वर राजा राम भद्र गंगा तुलसी शालिग्राम गंगा तुलसी शालिग्राम गंगा तुलसी शालिग्राम गंगा तुलसी शालिग्राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनल 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 टूक मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय श्री श्री कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय आहा प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद श्रील प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद श्रील प्रभु पद जय जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद जय जय प्रभु पद जय श्री प्रभु पद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सियाराममयी सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पाए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं तासो कृपानी मलमति पा मनोजवम मा रुततुल्यवेगम जीतेन्द्रियंबो धीमतां वरी वातात्मजं वा नरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिं तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल जाए। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा नममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य मे सदा तुसामन जो मंगल प्रदा। नीलांबुज श्याम मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भाव पाणो महाशा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशना। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निरवाण भाव सहित सो यह कथा भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पोट कान भरो श्रवण पोट कान। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं गौलोकवासी प्रिय सखी माताजी तथा अन्य पितरों की पावन स्मृति में यह सुंदर राम कथा का आयोजन करने वाले श्री गोविंद जी मूल जी घगड़ा परिवार, जिनमें प्रमुख हमारे प्रशांत कृष्ण प्रभु एवं
उनकी धर्म पत्नी चंद्रिका माता, अजीत भाई, पुष्पा बहन, राशेश्वर कृष्ण प्रभु, कमलेश भाई, संगीता बहन, मयूर भाई, बीजल बहन, इंदु बहन, रसिक लाल, हंसा बहन, मनसुख लाल और प्रतिभा बहन, राजू भाई, समस्त गगड़ा परिवार के द्वारा आयोजित यह राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य इस संसार में सर्वोच्च स्थान ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाए परंतु यथावत बना रहे ऐसा व्रज वृंदावन धाम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी श्रीमती राधा रानी का अपना निज धाम, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम में पागल होकर मतवाले होकर विचरण करते हैं, ऐसा ब्रज वृंदावन धाम। मधुसूदन जी तो यहां तक लिखते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धनियाति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगीम दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। बड़े बड़े ध्यानी तपस्वी और योगियों को भी दुर्लभ ऐसे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जन्म जन्म तक तपस्या करने पर भी, अनंत अनंत वर्षों तक ध्यान करने पर भी, जिनके चरण कमल ध्यान में तक नहीं आते हैं, योगिंद्र बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी बड़े मुश्किल से प्रकट होते हैं, ऐसे अत्यंत दुर्लभ श्याम सुंदर कृष्ण कभी गोकुल में खड़े होते हैं, कभी ब्रज वृंदावन में खड़े होते हैं और कृष्ण देखते हैं कि आज हवा का रुख बदला है, आज पवन ने अपना रुख मोड़ा है और आज की हवा, आज की वायु, आज का पवन जावट और बरसाने की ओर से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में खड़े हैं और बरसाने से आने वाली हवा, वो वायु, वो पवन भगवान श्री कृष्ण के शरीर से स्पर्श होती है। श्रीमती राधा रानी के आंचल से स्पर्श होती हुई हवा जब कृष्ण के शरीर को स्पर्श होती है तो योगिंद्र को भी दुर्लभ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप को धन्य नहीं धन्याति धन्य महसूस करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसी श्रीमती राधा रानी का यह निज धाम ब्रज वृंदावन, और ऐसे ब्रज वृंदावन में आप सब हरि भक्तों के बीच में बैठकर आगामी रामनवमी का पावन पर्व आ रहा है, तो ऐसे पवित्र पर्व में भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण करने का यह सुंदर अवसर, यह सुंदर लाभ हम सबको प्राप्त हुआ है। इस दुनिया में सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, सब लोग आजादी चाहते हैं, कुछ लोग बोलने की आजादी चाहते हैं, भाई हम जो चाहे हमें स्वतंत्रता चाहिए, कुछ लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए,
कुछ लोगों को खाने पीने की आजादी चाहिए, हमें जो खाना है हम खाएंगे। कुछ लोगों को अखबार में पेपर में कैसे भी खबर छापने की आजादी चाहिए, लेकिन एक छोटे से वायरस ने, छोटे मतलब इतना भी नहीं है, छोटे से कोविड ने दुनिया में सबकी आजादी को, सबकी स्वतंत्रता को छीन लिया। हमारी माताएं दो दो तीन तीन घंटे तक मेकअप करती थी, सब कुछ छीन लिया इस छोटे से वायरस ने। और भक्तों, ऐसा नहीं है कि इस कोविड ने, इस कोरोना ने हमारी आजादी को छीना, हम परतंत्र हो गए। ये तो कोविड के प्रति हम जागृत हैं, हम सब अलर्ट हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। आदि अनादि काल से संसार का जीव अनेकों प्रकार के बंधन में बंधा हुआ है। हम लोग केवल मान बैठे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यदि तत्व से देखा जाए तो हम सब लोग बंधन में हैं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन है। और बंधन ही जीव के वास्तविक दुख का कारण है। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कहा था, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुः। हे मां, मैं संसार में दुख का कारण जो है वो है बंधन। बंधन ही सबसे बड़ा दुख है। और जन्म जन्म से अनेकों प्रकार के बंधन में हम बंधे हुए हैं। इस बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इन बंधनों से कैसे मुक्ति मिले, ऐसी जिज्ञासा धेनुमती नदी के तट पर शौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को करते हैं। बहुत सुंदर उच्च आसन पर सूत गोस्वामी बैठे हैं और सभी ऋषि मुनियों का नेतृत्व करके श्री शौनक मुनि कहते हैं, भगवन् सर्वमाख्यातम् यत् पृष्ठम् विदुषा त्वया संसार पाश बंधाना दुखानि सुबहूनि च। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, हे परम ज्ञानी सूत गोस्वामी, इस दुनिया में, संसार के जीवों में अनेकों प्रकार के बंधन है। जब से यह जीव भगवान से विमुख हुआ है, ईश्वर से विमुख होकर संसार का यह जीव अनेकों प्रकार के बंधन में बंध चुका है और यह बंधन ही अनेकों प्रकार का दुख उत्पन्न करता है। हे सूत गोस्वामी, संसार के बंधनों से मुक्त होने का उपाय क्या है, कृपया करके इस दुनिया के बंधन से हमें मुक्त करा दीजिए। अभी हम जो, तो ये कोविड का बंधन, मास्क का बंधन, पंच महाभूत के शरीर का बंधन, मन बुद्धि अहंकार का बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन, अनेकों प्रकार के रोगों का बंधन, शादी हो गई तो पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर का बंधन, होमवर्क का बंधन। कुछ बच्चे आए हैं, मन में होगा कि होमवर्क करना है। अनेकों प्रकार के बंधन से जीव बंधा हुआ है।
हम सबकी ओर से शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, इस बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? और इस दुनिया में अधर्म निर नितराना नाम, इस संसार में प्राय जीव नितराम रूप से पूर्ण रूप से अधर्म के मार्ग में चला गया है, और इसलिए इस घोर कलयुग में वेद मार्ग का बहिष्कार करके अनेकों प्रकार के पाखंड के मार्ग में चलने लगा है, अनेकों प्रकार के पापों से प्रभावित जीव अनेकों प्रकार के दुख भोगत रहा है। तो इस कलयुग के दोषों से मुक्त होने वाली, कलयुग के बंधन से मुक्त होने वाली और भगवान को प्रसन्न करने वाली कोई कथा, कोई उपदेश कृपया करके आप हमें सुनाइए। जब इस प्रकार से शौनक आदि ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की, तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, आपने ये जितनी भी जिज्ञासाएं की हैं, इसको पूर्ण करने के लिए एक बहुत सुंदर कथा है। कौन सी कथा? वे कहते हैं रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। रामायणम महाकाव्यम, कविता नहीं महाकाव्य, बहुत सुंदर इतिहास रामायण का इतिहास, रामायण की कथा यदि कोई सुन लेता है तो शौनक जी, इस गृहस्थ जीवन में मनुष्य जीवन में रहकर भी व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई जैसे तैसे भी चलते फिरते भी राम कथा में आकर बैठ जाए, बहुत सुंदर राम कथा की महिमा महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, कोई खास उद्देश्य नहीं है, केवल कथा चल रही है और कोई आकर बैठ जाए तो दुःस्वप्न नाशनम धन्यम मुक्ति भुक्ति फलप्रदम। उस व्यक्ति के जीवन में बुरे स्वप्न दूर हो जाएंगे, रात को शांति से चैन से वह नींद ले पाएगा। आजकल समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना डिप्रेशन है कि रात को नींद नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनता है तो दुःस्वप्न नाशनम बुरे स्वप्नों से मुक्त हो जाता है, भुक्ति संसार के सारे भोगों को प्राप्त कर सकता है, मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और रामचंद्र कथा पेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, और भगवान श्री रामचंद्र की कथा को सुनने से सभी कल्याण और सभी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो कोई खास उद्देश्य नहीं, जैसे तैसे भी कथा में आकर बैठ जाए। तब शौनक जी ने कहा, तो यदि कोई व्यक्ति ध्यान से कथा सुने इसका फल क्या है? ये तो बाय प्रोडक्ट कहा गया, ध्यान से कथा सुनने का फल। तब सूत जी कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणा हेतु भूताम महाफलम अपूर्व पुण्य फलदम शृणुद्वम सुसमाहिता। यदि कोई ध्यान से भगवत कथा राम कथा का श्रवण करता है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मनुष्य जीवन के ये चार पुरुषार्थ जिसे प्रमुख माना गया है,
राम कथा का श्रवण करने से ये चारों पुरुषार्थ सरलता से, सुगमता से संपन्न कर सकता है। इसलिए इस राम कथा को सुसमाहिता, हे शौनक जी, सुसमाहिता ध्यान से श्रवण करो। अन्य अन्य साधनों से, अन्य अन्य कार्यों से व्यक्ति उतना पवित्र नहीं होता है जितना राम कथा को श्रवण करने से पवित्र होता है। यदि कोई तप करे, ध्यान करे, कर्मकांड, ज्ञान मार्ग, इन सब मार्गों में बहुत बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना राम कथा श्रवण करने से पवित्र होता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, महापातक युक्तो वा, यदि कोई व्यक्ति महापातक, मतलब क्वालिटी की, क्वालिटी वाइज कोई बहुत बड़ा पापी है, या फिर सर्व पातक युक्तो वा, या फिर क्वांटिटी में कोई बहुत पाप किया है, बड़ा पाप किया है या बहुत पाप किया है, ऐसा पापी व्यक्ति यदि थोड़ी भी राम कथा सुन लेता है तो वे सभी पापों से सद्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है। नैमिषारण्य में सूत जी ये बहुत सुंदर राम कथा की महिमा निवेदन करते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान रामचंद्र में, भगवान रामचंद्र की कथा में और भगवान रामचंद्र के नाम में कोई अंतर नहीं है। राम, राम कथा और राम नाम, ये तीनों समान है। और राम कथा का सार क्या है? यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनेगा तो राम कथा सुनते 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 राम नाम में वे रुचि प्राप्त कर लेगा, राम नाम में वो प्रेम उत्पन्न कर लेगा। और ऐसा राम नाम में रुचि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति राम नाम परायेतु घोरे कलियुगे द्विजा त एव कृत कृत्याश्च न कली बाधते ही तान। यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनकर राम नाम में रुचि उत्पन्न कर लेता है तो स एव कृत कृत्य ही उसने दुनिया में सारा काम कर लिया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो बड़े से बड़े कार्य करने हैं वो सारे कार्य राम नाम लेने से संपन्न हो जाते हैं। और न कली बाधते, राम नाम पर व्यक्ति जिनकी राम नाम में लगनी लग चुकी है उस व्यक्ति को कलयुग बाधित नहीं कर सकता। कलयुग में रहकर भी कलयुग उसे स्पर्श नहीं कर सकता जो राम नाम पर हो चुका है। आज भी हम ब्रज में देखते हैं कई सारे ऐसे संत इस ब्रज में रहते हैं जो कलयुग में होकर भी कलयुग में नहीं है, उनके जीवन में कलयुग स्पर्श तक नहीं किया है। सो राम कथा की ये महिमा है, राम कथा सुनकर राम नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में राम कथा का पाठ करे, राम कथा का श्रवण करे तो सूत जी कहते हैं, कथा रामायण स्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। राम नाम, राम कथा जिसके गृह में होती है, बहुत आश्चर्य की बात भी है कि हमारा गागड़ा परिवार, यजमान परिवार घर बैठकर कथा श्रवण कर रहा है। उनके सहयोग से, उनकी कृपा से हम सब कथा के परिसर में बैठे हैं, लेकिन यजमान परिवार अपने घर पर बैठकर यह कथा श्रवण कर रहा है।
घर बैठकर यदि कोई राम कथा का श्रवण करता है तो तद गृहम तीर्थ रूपम ही, तो उसका घर जो है वह तीर्थ बन जाता है। और बहुत सुंदर ही शब्द दिया गया, आप सब जानते हैं ही शब्द निश्चितता के अर्थ में है। बोले निश्चित ही जो व्यक्ति अपने घर बैठकर राम कथा का पाठ करे, श्रवण करे, वह घर घर नहीं वह तीर्थ बन जाता है। और दुष्टा नाम पाप नाशनम, घर बैठकर सारे पापों से मुक्त हो जाता है। शौनक जी ने कहा कि सुत जी हमारे हृदय में पाप कब तक रहते हैं? पाप तो हम सबके हृदय में है, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप बड़े पवित्र हैं, आप बड़े सज्जन हैं, आप तो कोई पाप नहीं करते। यदि हमने कोई पाप नहीं किए होते तो क्या हम लोग यहां होते, वैकुंठ में ना होते? हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटा बड़ा तन मन धन से कहीं से भी पाप अवश्य किया है। और कुछ लोग पाप कर रहे हैं, ये पाप हमारे हृदय में कब तक रहेगा? सुत गोस्वामी कहते हैं कि जब तक भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक सारे पाप हमारे हृदय में बैठे रहेंगे। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, तावत आसन्न श्रूयते श्री रामायणम नरः। जब तक कोई नर मनुष्य राम कथा नहीं सुन लेता पापों से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में यदि कोई राम कथा सुनता है तो उनके हृदय में रहे हुए छोटे बड़े पाप वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सिम शब्द वृका इव, जैसे कोई घोर वन में कोई वनराज केसरी सिम दहाड़ करता है तो सिम की दहाड़ से छोटे बड़े पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे राम कथा की दहाड़ से, राम कथा के श्रवण से हृदय के छोटे बड़े सारे पाप दिल को, हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। ये है राम कथा की। और अंत में सुत जी कहते हैं राम कथा की इतनी इतनी महिमा है, लेकिन शौनक जी ये राम कथा वही सुन सकता है जो भाग्यशाली है, जो पुण्यशाली है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद रामायणोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाकर कोई व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। और ऐसा भाग्यशाली जीव राम कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित होता है या राम कथा का श्रवण कर सकता है। परम सौभाग्य है, इतना तो निश्चित है कि हम लोगों ने या हमारे बाप दादा पितृ स्वजनों ने कहीं ना कहीं पुण्य किए होंगे। उस पुण्य के प्रताप से आज हम सब लोग इस परिसर में बैठकर भगवत कथा राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। हृदय में प्रश्न हो सकता है कि भाई यह कथा करने का उद्देश्य क्या है? यदि कोई मुझे पूछे कि भाई कथा क्यों, तो भक्तों हृदय से कहें तो हम कोई इतने बड़े भक्त नहीं है कि आप सबके बीच में बैठकर हम आपको भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, या फिर हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी भी नहीं है कि हम कुछ ज्ञान आपको देने के लिए आए हैं, न हम कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं, न हम कोई पंडित हैं। राम कथा श्रवण कराने का एकमात्र उद्देश्य स्वांतः सुखाय है। रामनवमी निकट आ रही है तो भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं का स्मरण करना और स्मरण करके आनंद लेना, दैट्स ऑल।
यहां आकर राम कथा गाने का एक और मात्र एक उद्देश्य है, बस स्वांत सुखाय, स्वतः आनंद लेना, भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा का गुणगान करना। रामायण लिखते हुए गोस्वामी जी ने जो अपना भाव व्यक्त किया, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यः रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मन जुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम कथा गा रहा हूं तो स्वांत सुखाय, और साथ ही साथ यह कथा दूसरों को पवित्र करने के लिए नहीं अपितु अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आप को निज गिरा, अपने आप को पवित्र करने के लिए यह कथा यहां से गाई जा रही है। आइए भगवान रामचंद्र के गुणगान करने से पहले हम मंगलाचरण स्वरूप सर्वप्रथम, हमारे भारत वर्ष में विधि है जब भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी को प्रणाम करते हैं, सारे विघ्नों को हरने वाले श्री गजानन गणपति महाराज, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जांबु फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शिव और पार्वती के पुत्र, विघ्नों को हरने वाले गणेश जी, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रणाम किया, जिनका स्मरण करने से सारे विघ्न दूर होते हैं, जिनका स्मरण करने से समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। हालांकि यहां पर सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ संसार की भौतिक सिद्धियों से नहीं है, भक्त के लिए सिद्धि एकमात्र भगवत प्रेम है। सो भगवत प्रेम की कामना करते हुए भगवत प्रेम के मार्ग में कोई विघ्न न आए, और यदि कोई विघ्न आए तो उस विघ्नों को हरने वाले गजानन गणपति महाराज के चरणों में शत शत वंदन करें। और ऐसे गजानन गणपति महाराज यत पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज, जिस भगवान नरसिंह देव के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर संसार के सारे विघ्नों को हरते हैं, ऐसे गजानन गणपति महाराज के इष्ट आराध्य भगवान नरसिंह देव के चरणों में हम शत शत वंदन करें कि हमारी भक्ति में आने वाले विघ्नों को हरे और निर्विघ्न रूप से भगवत कथा श्रवण कर सके और भगवान से प्रेम कर सके। क्रम के अनुसार चलूं तो गोस्वामी जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिस भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगे और लंगड़ा पर्वत को लांघ जाए, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगयतेम गिरी। ऐसे भगवान श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के चरणों में शत शत वंदन करें। साथ ही साथ आगे शीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण, मुझ दास के हृदय में शयन करे ऐसी कामना करते हुए भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के चरणों में शत शत वंदन किया गया।
समस्त वेद और शास्त्र के प्रमुख वक्ता, फिर चाहे रामायण हो, भागवत हो या श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में अन्य लीलाएं हो, जिनके प्रमुख वक्ता देवाधिदेव महादेव है, सो वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी के चरणों में शत शत वंदन करें। और जिनकी कृपा से शास्त्र को देखने की दृष्टि प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से शास्त्र को बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें। जैसे एक कमल सरोवर में होता है और सूर्य प्रकाश से वह कमल खिलता है, लेकिन सूर्य प्रकाश उस कमल को तब तक पोषण दे सकता है जब तक वह कमल उस जल में खड़ा है। जिस दिन वह कमल जल से बाहर निकल गया तो जो सूर्य प्रकाश कमल को पोषण देता था, वही सूर्य प्रकाश कमल को सुखा देता है। ठीक उसी प्रकार एक शिष्य जब तक गुरु के सानिध्य में है, जब तक गुरु के चरणों में है, तब तक सूर्य समान भगवान उस शिष्य का पोषण करते हैं, लेकिन जब कोई शिष्य गुरु के सानिध्य से दूर हो जाए तो जो सूर्य जो भगवान उस शिष्य का पोषण करते हैं, वही उनका शोषण कर देते हैं। गोस्वामी जी ने तो बहुत सुंदर कहा कि बंदउ गुरु पद कंज, मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनके चरण कमल, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा करने के कृपा के सागर है, समुद्र है, और मेरे लिए तो नर रूप में साक्षात भगवान है, बाद भी सत्य है। कविराज गोस्वामी ने भी बहुत सुंदर कहा, यदि मोर गुरु है चैतन्य दास, मेरे गुरु को, मेरे गुरु तो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, मेरे गुरु अपने आप को दास मानते हैं, वो भले अपने आप को दास माने, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप है, भगवान ही है। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिस गुरु के चरण कमल के समान और गुरु की वाणी सूर्य के प्रकाश के समान है। सूर्य प्रकाश जब कमल पर गिरे तब वह कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार गुरु जो वाणी बोलते हैं, वह वाणी जब अपने जीवन में आचरित होती है तब गुरु का जीवन खिलता है, तब गुरु की महिमा बढ़ती है। इस दुनिया में जो गुरु के पद पर है या जो साधु जो संत व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने वाले को यह देश आदर देता है, शास्त्रों की व्याख्या करने वाले को यह देश आदर देता है, लेकिन शास्त्र की व्याख्या को जीवन में उतारने वाले को यह देश अधीन हो जाता है, यह संसार आचरण करने वाले के अधीन हो जाता है। आचरण की बड़ी महिमा है और हमारा बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गंगा जैसी पवित्र धारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी आचार्य हुए, व्याख्या के साथ साथ आचरण करते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर, मध्वाचार्य से लेकर, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन से लेकर जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी तक, इन आचार्यों ने, इन गुरुजनों ने अपने जीवन में आचरण किया और आचरण के कारण जगत उनके अधीन हो गया। व्याख्या करने वालों का आदर होता है लेकिन आचरण करने वाले के अधीन हो जाते हैं।
तो ऐसे ही शास्त्रों को अपने जीवन में उतार कर उन पर आचरित होने वाले ऐसे परम गुरु श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती और हमारी पूरी पावन परंपरा के चरणों में हम शत शत वंदन करें और साथ ही साथ संसार के समस्त वैष्णव, दृष्ट अदृष्ट समस्त देवी देवता, देवी तुलसी महारानी और उपस्थित समस्त वैष्णव महानुभाव आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए आइए राम कथा की ओर हम सब प्रयाण करें। श्रीमद् भागवत में या श्रीमद् भगवत गीता में किसी भी शास्त्र का, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ स्थान से हुआ है। आप देखोगे श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ कहां से हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। श्रीमद् भगवत गीता धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में कही गई और ये स्थान में दो लोगों के बीच में संवाद हुआ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ। गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद, भागवत में यदि हम चले तो तीन जगह पर संवाद होता है, मैत्रेय और विदुर जी का संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद और सुध गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनियों का संवाद। भगवत गीता में दो संवाद, भागवत में तीन संवाद, रामायण में यदि हम देखें तो ऐसे कुल चार संवाद हैं। रामायण में एक संवाद, राम कथा का एक संवाद शिव और पार्वती के बीच में है। जैसे भगवत गीता का संवाद कुरुक्षेत्र में हुआ, वैसे शिव और पार्वती का जो संवाद है वो कैलाश में हुआ और उस कैलाश को हम ज्ञान घाट भी कह सकते हैं। सो ज्ञान घाट पर बैठकर शिव और पार्वती के बीच में राम कथा का संवाद, दूसरा राम कथा का संवाद कागभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में हुआ, तीसरा राम कथा का संवाद याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के बीच में हुआ और चौथा संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी और अपने मन के साथ हुआ, ऐसा रामायण में वर्णन है। जैसे भगवत गीता का प्रारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हुआ, भागवत का प्रारंभ नैमिषेय निमिषेय क्षेत्रे ऋषय शौनकादय नैमिषारण्य की भूमि से हुआ, रामायण का प्रारंभ तीर्थराज प्रयाग से होता है। बहुत सुंदर भूमि है प्रयाग, जहां त्रिवेणी संगम है और वहां पर एक बहुत सुंदर ऋषि रहते हैं। आइए इस ऋषि का वर्णन और राम कथा का संवाद प्रारंभ और इस भूमि का वर्णन हम सब गाते हुए श्रवण करें। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग।
समस्त राज प्रयाग, गंगा यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती नदी बहती हैं, और ऐसे प्रयाग में भरद्वाज ऋषि रहते हैं, और इस प्रयाग में समय समय पर साधु संत का समागम होता है, त्रिवेणी स्नान करते हैं, अक्षय वट परिक्रमा करते हैं, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर साधु संत साधु सम्मेलन होता है। ऐसे ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अनेकों संतों की उपस्थिति, बहुत सुंदर ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा। उस भरद्वाज ऋषि के विषय में कहते हैं, तापस समदम दया निदाना, तापस समदम दया निदाना, तापस समदम दया निदाना, तापस समदम दया निदाना, परमारथ पथ पर भरद्वाज ऋषि बहुत बड़े तपस्वी, तपस्या पूर्ण जीवन है। उनका मन अपने वश में था, इंद्रियां अपने वश में थी, और रात दिन 2400 घंटा परोपकार परमारथ के लिए सोचते थे। ऐसे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अनेक ऋषि मुनि रहे, सुंदर संत समागम हुआ। कुछ दिन के बाद सारे ऋषि मुनि वहां से विदाई लिए। एक बहुत बड़े ऋषि, बड़े वरिष्ठ ऋषि, बहुत वरिष्ठ संत जिनका नाम याज्ञवल्क ऋषि, जब याज्ञवल्क ऋषि वहां से लौट रहे थे, तब भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क के चरणों में गिर गए। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, महाराज महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, यदि वह संशय मैं कहूं तो मुझे लज्जा हो रही है कि मैं आपको यह प्रश्न कैसे पूछूं, और यदि प्रश्न न पूछूं तो आपकी कृपा से वंचित रह जाऊं, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है कि गुरु के साथ यदि दुराई रखें, यदि गुरु के समक्ष कोई बात छिपाए, तो शिष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर के पास यदि झूठ बोलेंगे तो रोग से मुक्त नहीं हो सकते, लॉयर के पास वकील के सामने यदि झूठ बोलेंगे तो कभी केस से छुटकारा नहीं हो पाएगा, और गुरु के पास यदि झूठ बोलेंगे तो कभी पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क जी से कहते हैं कि हे याज्ञवल्क जी, यदि मैं मेरे हृदय की बात कहूं तो संसार के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं लज्जित होऊंगा, और यदि नहीं बताऊंगा तो आपके प्रति अपराध सा हो जाएगा। हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने जब जब गुरु से उनका मिलन हुआ तो अपने दिल की बात रखी, अपने हृदय की बात बताई। मैं गौड़ीय धारा में चलूं तो वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिले, तब दोनों हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी ने यही कहा, के आमी केने आमार जार ताप त्रय, अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान जी सनातन को अपने गले मिलने जा रहे हैं। वो सनातन भगवान से कहते हैं कि प्रभु सच कहूं तो मैं इतना मूर्ख हूं, मैं इतना अज्ञानी हूं कि आज तक मुझे यह नहीं पता चला कि मैं कौन हूं। के आमी केने आमार जार ताप त्रय, ये तीनों ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। जब जब कोई शुद्ध शिष्य अपने गुरु से मिला है तो अपने दिल की बात अपने गुरु से बताइए। गुरु से यदि कपट करें
गुरु से यदि दुराव रखें, गुरु से यदि कोई बात छिपाए, तो साधक का शिष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं। बहुत सुंदर, भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य के चरण पकड़कर कहते हैं कि बहुत ऐसी जिज्ञासा है, यदि आपको कहूं तो मेरी हंसी होगी और न कहूं तो अपराध होगा, इसलिए प्रभु मैं आपको हृदय की बात कहना चाहता हूं। हे नाथ, मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है। क्या संशय है? बोले मैं ये नहीं जानता हूं कि राम कौन है। आज का 5 साल का बालक भी पूछेगा ना, तब भी लोग हंसेंगे कि राम कौन। इतना बड़ा साधु पूछ रहा है कि राम कौन है। गुरुदेव, मैं ये नहीं जानता कि राम कौन है, कृपया करके आप मुझे बताइए। महाराज दशरथ के वहां एक राम का जन्म हुआ। जब बड़े हुए तो 14 वर्ष वनवास मिला। वनवास के दौरान उनकी पत्नी को रावण अपहरण करके चला गया और पत्नी के विरह में दर दर भटकते रहे, रोते रहे। वो भगवान है या जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में वदंती तत्व विदस तत्व यद ज्ञानम अद्वयम, हम जो आप कहते हैं, वो राम है। एक राम दशरथ का बेटा और दूसरा घट घट में बैठा। तो दशरथ का बेटा राम के जो घट घट में है वो राम, आखिर ये राम कौन है, कृपया करके मुझे बताइए। याज्ञवल्क मुनि हंसने लगे। भरद्वाज जी, आप मुझे कहते हैं कि राम कौन है, ये मैं नहीं जानता, मेरे मन में संशय है। भरद्वाज जी, आप मूर्ख बनकर मूर्खों के समान प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या मैं नहीं जानता हूं कि आप भली भांति जानते हैं राम कौन है, फिर भी आप मुझे मूर्खों की तरह पूछ रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि आपका राम से प्रेम है। और जब कोई प्रेमी भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है, मूर्ख बनकर जिज्ञासा करता है। दाढ़े लागी पूछे जानी साधुर स्वभाव। साधु का स्वभाव होता है कि वे जानते हैं फिर भी पूछते हैं। रसास्वादन, वो आनंद के लिए पूछते हैं, साधु का स्वभाव है। और जब पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? मूर्ख बनकर। एक बात कहें, खास करके मेरे लोगों के, हम जैसे लोगों के लिए, हम जब प्रचार करते हैं, कथा करते हैं, तो लगभग लोगों को होता है कि बड़े ज्ञानी हैं, पहुंचे हुए संत हैं, ये ज्ञान, ये विद्वत्ता समाज में, संसार में भले कभी कभार हम कर भी दें, लेकिन गुरुदेव के सामने कभी ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए, कभी विद्वत्ता नहीं झाड़नी चाहिए। गुरुदेव के सामने तो अकिंचन होकर मूर्ख की भांति जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरु जो है करुणा का सागर, नो डाउट। भगवान में जितनी करुणा नहीं है उतनी करुणा गुरु में भरी हुई है। लेकिन गुरुदेव की करुणा किसके ऊपर होती है? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम अधम जनार बंधु। गुरु की करुणा जो अधम है, जो अपने आप को अधम मानते हैं, उन्हीं के ऊपर गुरु की करुणा होती है। जो अपने आप को ग्रेट मानते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, गुरु की कृपा उन पर नहीं होती। शायद ये बात समझने में कठिन हो, हम सब गृहस्थ हैं, हम सब घर गृहस्थी वाले, हमारे 2-5 बच्चे भी हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति के 2-3 बच्चे हैं और बच्चे मेहनत करते हैं, कमाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन एक बेटा ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, कमा नहीं पा रहा है, ठीक से घर नहीं चला पा रहा है। अब आप मुझे बताइए,
कि अन्य तीन बेटे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पैसे, धन, समृद्धि, सब कुछ है, लेकिन उनमें से एक लड़का जो ठीक से कमा नहीं पा रहा है, घर नहीं चला पा रहा है, गरीब है, दरिद्र है, तो माता पिता की करुणा, दया उन चार बच्चों में से किस बच्चे पर अधिक होगी? यद्यपि अन्य बच्चे डिग्री प्राप्त है, लॉयर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उन पर उतनी करुणा नहीं होगी जितनी करुणा, जितनी दया माता पिता की उस गरीब बच्चे पर होगी। ठीक उसी प्रकार गुरु की दया, गुरु की करुणा, गुरुदेव की कृपा, जो अपने आप को अधम समझते हैं गुरुदेव के सामने। यहां पर भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी के चरणों में बैठकर निवेदन करता है, मुझे राम के विषय में बताइए। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, आप जानते हैं राम के विषय में, लेकिन फिर भी राम जी के प्रति आपका प्रेम है, इसलिए आप जिज्ञासा कर रहे हैं। अवश्य मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न कैलाश के शिखर पर एक दिन पार्वती ने शिव जी से किया था। भरद्वाज जी, मैं अपनी बात नहीं, जब ये प्रश्न देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा और शिव जी ने जो कथा सुनाई वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। भक्तों, हमारी ये परंपरा, हमारी ये रूढ़ी रही, हमारे आचार्यों की यही रीति रही कि कभी भी कोई संत, कोई आचार्य अपनी बात नहीं करते, जब भी उनको बोलना हुआ तो पूर्ववर्ती आचार्य या पूर्ववर्ती कोई साधु संत, कोई महात्मा की बातों को रखे। याज्ञवल्क्य जी ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा, नहीं, शिव जी ने जो सुनाई थी वो कथा सुनाऊंगा। तब भरद्वाज ऋषि कहते हैं, अच्छा, शिव जी ने पार्वती से कथा सुनाई, शिव पार्वती के बीच में राम कथा कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, किस परिस्थिति में हुई, कृपया करके भूमिका के साथ मुझे ये विस्तार से बताइए। तो महादेव पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, लेकिन उसकी भूमिका जो है बहुत सुंदर है, अनेकों शिक्षा, अनेकों हमारे जीवन में प्रेरणा प्राप्त प्रसंग इस कथा में है, इसलिए आइए हम इस प्रसंग का श्रवण करें। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में कैलाश के शिखर में रहने वाले देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी सती को ले, ये पार्वती की बात नहीं है, पार्वती का पूर्व जन्म सती के रूप में है, तो शिव जी सती के साथ राम कथा श्रवण करने के लिए घर से निकल पड़े हैं। रामायण में लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। शिवजी, श्रीमद् भागवत में कहा गया, जैसे भारत में अनेकों नदियां हैं, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, गोमती, धेनुमती, असंख्य नदियां हैं, जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत भगवान विष्णु है, सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, ऐसे दुनिया में हजारों लाखों वैष्णव हैं, परंतु सभी वैष्णवों के शिरमोर, सभी वैष्णवों के मुकुटमणि, सरताज, तिलक देवाधिदेव महादेव है, जिसे महादेव कहा गया, जो देव नहीं, देव का भी देव महादेव। और ऐसे महादेव त्रेता युग में भगवत कथा श्रवण करने हेतु, राम कथा श्रवण करने हेतु घर से निकले।
जब देवताओं का देव महादेव राम कथा सुनने के लिए अपने घर से निकल सकता है, तो क्या हम और आप राम कथा सुनने के लिए घर से नहीं निकल सकते? अच्छा, अकेले नहीं गए, शिव जी से सीखने लायक है। क्या कहते हैं? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। भले आपने मास्क पहन रखा है, लेकिन मास्क के अंदर गाते रहिए। ये रामायण जो है ना, बोलने का कम और गाने का ग्रंथ ज्यादा है। हालांकि घाघड़ा परिवार ने तो यही कहा था कि आप अमेरिका से ही कथा कही है, लेकिन अमेरिका से कहता तो गाने का अवसर नहीं मिलता। स्पेशल गाने के लिए हम आए। और एक बात कहें, जितना गाएंगे उतना लाभ है। एक बार क्या, पुराने जमाने में चक्की नहीं होती थी, आटा गेहूं चावल पीसने के लिए चक्की नहीं होती थी। घर में आप जानते हैं, आज भी गांव में होता है, नीचे गोल पत्थर ऊपर और उसे घुमाते हैं पत्थर को। तो दो महिला आमने सामने अपने अपने घर में वो चक्की पीस रही थी, और कोई ना देरानी जेठानी थी, दोनों पीस रही थी, चावल डाल रही हैं, घुमा रही हैं, डाल रही है, घुमा रही हैं। उसमें जो छोटी जो थी देवरानी, उसकी आदत क्या थी, वो चावल डालते डालते थोड़ा सा मुंह में भी डालते थे, थोड़ा अंदर डाला, थोड़ा मुंह में डाला और घुमाया। अब जेठानी का तो स्वभाव होता है डांटना, तो जो जेठानी थी वो डांटती थी कि तू ये 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 आटा तो बना रही है लेकिन मुंह में क्यों डाल रही है, वो खुन्नस खा रही थी, मुंह बिगाड़ रही थी। और काम चल रहा था, करते 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 दोनों ने ये आटा बनाया, और आटा बनाकर बोरी बनाकर दोनों घर से जा रही थी। जा रही थी तो रास्ते में एक पागल बैल आया दौड़ते हुए, पागल बैल तो जानते हैं, और पागल बैल दौड़ कर आया और दोनों के ऊपर अपना सींग मारा, दोनों के हाथों से वो पोटली निकल गई और वो आटा नीचे गिर गया। जब आटा गिर गया तो वो जेठानी रोने लगी और देवरानी मौज हंस रही है। वो जेठानी कहती है कि आटा गिर गया, मैं रो रही हूं और तू हंस क्यों रही है? बोले, तुम्हारा आटा तो खराब हो गया लेकिन बनाते बनाते मैं आधा खा गई, मेरा तो काम हो गया। कोरोना चल रहा है, कब हमारा आटा हो जाए नक्की नहीं है, तो कथा करते करते खा लीजिएगा, बाद में राह मत देखिएगा, जितना गा सको गा लीजिएगा, बाद में अवसर मिला नहीं मिला। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। शिवजी चरा चरम गुरु, शिवजी के विषय में शास्त्र में आया, शिवजी सबके गुरु है और खास करके हम गृहस्थों के गुरु है। शिवजी ने हम सबको सिखाया कि देखिए, गृहस्थी में रहकर यदि गृहस्थी को ठीक से चलाना चाहते हैं तो भगवत कथा सुनिएगा। और इस बात को सर्टिफाइड ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तावत कारा गृहम गृहम, ये घर गृहस्थी कारागार के समान, जेल के समान है। नहीं, आपको नहीं लगता है? बंदा ऑफिस में गया है, रोज 8 बजे घर पर आता है, 5 मिनट भी देरी हो गई तो फोन जाता है, अजी देरी क्यों हुई?
बिल्कुल कारागार के समान घर गृहस्थी अनेकों प्रकार के बंधन, लेकिन भगवान कहते हैं कि घर गृहस्थी तावत तब तक कारागृह है जब तक भगवत कथा नहीं सुनता है। भगवत कथा सुनने वाला व्यक्ति गृहस्थी में रहकर भी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। शिव जी ये बात जानते हैं और इसीलिए कैलाश में रहने वाले शिव पूरे भारत को भेद कर कन्याकुमारी अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। हमारा तो क्या है, हरे कृष्ण ऑर्चिड बहुत दूर पड़ता है। शिव जी कैलाश से उतरकर कन्याकुमारी गए राम कथा को सुनने के लिए और हम लोग 1 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। ये और कुछ नहीं है, ये केवल एक्सक्यूज है, हमारे बहाने हैं। सीखना चाहिए शिव जी से। और शिव जी अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। गृहस्थ जीवन की गाड़ी जो है ना दो टायर पर चलती है, गृहस्थ जीवन की गाड़ी दो चक्के पर चलती है, दोनों चक्का समान हो ना तो बड़ी रफ्तार से चलेगी और वैकुंठ पहुंच जाएगी, लेकिन एक चक्का मर्सिडीज कार का हो और दूसरा ट्रक का हो या बैलगाड़ी का हो तो ठीक से नहीं चल पाएगी। जब भी हम भजन करें, भगवत कथा सुने, तो प्रत्येक पतियों को चाहिए कि अपनी अपनी सतियों को, अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर चले। संग सती जग जननी भवानी, अपनी पत्नी को साथ में लेकर नंदी के ऊपर शिव जी और सती बैठी हैं और दोनों कैलाश से उतरकर अनेकों स्टेट अनेकों राज्य अनेकों गांव पास करते हुए कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कुंभज ऋषि ने देखा महादेव आए हैं, आसन से खड़े हो गए। शिव जी को देखकर कुंभज ने प्रणाम किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि खड़े हो गए, ओहो मेरे द्वार पर महादेव आए, आज धन्य में धन्य अति, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया महादेव। कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी ने कुंभज को प्रणाम किया, लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई कि सती ऐसे खड़ी रह गई। सती के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई कि हम लोग कैलाश से इतनी दूर से इस साधु की कथा सुनने आए, मैंने तो सोचा कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा होंगे, बहुत पहुंचे हुए संत होंगे, और यहां आकर पता चला कि ये साधु तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। अब मेरे पति को प्रणाम करे उसमें क्या क्या दम होगा, मेरे पति को प्रणाम करने वाले में क्या दम होगा। बस यहीं से सती को अश्रद्धा हो गई। सती के मन में हुआ कि हम इतनी दूर से आए हैं, और शिव जी आसन पर बैठे, सती भी बैठी, और कुंभज ऋषि बहुत सुंदर राम कथा सुनाना प्रारंभ किए। शिव जी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी चाव से कथा सुनी। ऐसा लिखा है, सुन ही महेश परम सुख मानी, सुन ही महेश परम सुख मानी। शिव जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, लेकिन सती को आनंद नहीं आया। कारण यही था कि कथा बोलने वाले में, सुनाने वाले में श्रद्धा नहीं थी। तीन वस्तु में श्रद्धा अत्यंत आवश्यक, जब भी हम कथा सुने तीन चीज में श्रद्धा होनी चाहिए। एक, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान से प्रेम और भक्ति का भाव होना चाहिए।
दूसरा, जिस ग्रंथ से कथा कही जा रही है उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और तीसरा, ग्रंथ बोलने वाले के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इन तीन में से भी कोई भी श्रद्धा घटी, कथा श्रवण करने का फल भी उतना ही घट जाएगा, और फिर तो घटत घटत घट जाए। देवी सती को श्रद्धा नहीं हुई, और श्रद्धा नहीं होने के कारण कथा में कोई आनंद नहीं, और इसलिए कथा में नींद आने लगी। शिव जी आनंद से कथा सुन रहे हैं, सती को आनंद नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं होने का कारण कुंभज ऋषि की नम्रता। ये बात समझने लायक है, जब कोई भक्ति करता है, जब कोई भगवान से प्रेम करता है और प्रेम की उच्च सीमा पर पहुंच जाता है, तब वह साधक वह भक्त नम्र हो जाता है, हम्बल हो जाता है। पेड़ की जिस डाली पर फल उगता है ना, वो डाली झुक जाती है। जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम का फल लगा है वो भक्त नम्र हो जाता है, हम्बल हो जाता है, और कभी कभी संसार के लोग उनकी नम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसा ही सती के जीवन में हुआ, कुंभज की वह साधु की नम्रता, वो प्रेम वो भक्ति समझ नहीं पाई, नहीं समझ पाई। शिव जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी और सती को श्रद्धा नहीं हुई। अब श्रद्धा नहीं हुई तो शिव जी कथा सुन रहे थे और शिव जी ने कुंभज ऋषि से कहा कि अब गुरुदेव आज्ञा दीजिए। आचार्यों ने प्रश्न उठाया, जब इतने आनंद से कथा सुन रहे थे तो कथा सुनते रहते, कुंभज ऋषि से विदा क्यों मांगी? इसके दो कारण है। एक कारण, सती ने इशारा किया आप चलो घर पर नहीं जाना है, जैसे यहां पर भी दो तीन माताएं कर रही हैं, ऐसे 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 किया, अब घर पर नहीं जाना है। अब घर जाने का कारण तो कुछ था नहीं, ऐसा नहीं शिव जी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में छोड़ने जाना होगा, या शिव जी कोई जॉब बिजनेस करते हैं तो नौकरी में जाना होगा, कुछ था ही नहीं। तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, शिव जी ने विदा मांगी क्यों? सती ने कहा कि चलो अब घर नहीं जाना है, और आचार्यों ने दूसरा कारण दिया, कथा सुनते 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 अरण्य कांड में पहुंच चुके थे, और उस लीला में पहुंच चुके थे कि रावण सीता का अपहरण करके चला गया है और भगवान रामचंद्र दर दर भटक रहे हैं, दंडकारण्य आदि वन में भटक रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं। शिव जी ने अपने मन में सोचा कि त्रेता युग आ चुका है, कथा सुनने का फल भगवान का दर्शन है, और यहीं पर कथा को विराम करूं और मैं यहां से निकलूं और कदाचित प्रभु का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य बन जाए। यह सोचकर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शिव जी वापस लौटे, लेकिन गोस्वामी जी ने कमाल किया, कथा सुनने जा रहे थे तो संग सती जग जननी भवानी, सती कथा सुनने जा रही है, और जब घर वापस लौट रहे थे तो संबोधन बदल दिया, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी कथा सुनकर आ रही है। भाव यही है कि दक्ष बुद्धि प्रधान बाप है और बुद्धि प्रधान बाप की बेटी सती है, अपनी बुद्धि चलाई, भाव और श्रद्धा नहीं चलाई, और इसलिए वापस लौट रही है। तो शिव जी वापस लौट रहे हैं और अब शिव और सती को मार्ग में भगवान रामचंद्र का पावन दर्शन होगा। ये कथा हम कल सुनेंगे, बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन और सती देह त्याग और फिर शिव पार्वती विवाह, पार्वती की जिज्ञासा राम अवतार के कारण और भगवान रामचंद्र का जन्म, ये कथा हम कल आने वाले दिन में सुनेंगे। आज कथा का प्रथम दिन था और हमारा सौभाग्य रहा अनेक आचार्य महानुभाव और विशेष परम पूज्य राधा रमण स्वामी हमारे बीच में आए और हमें आशीर्वाद कृपा प्रदान किए।
आप सभी भक्त इसी प्रकार से कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे गगड़ा परिवार को, जिन्होंने पूरे मानव समाज के कल्याण हेतु ये सुंदर आयोजन किया है और हम सब इसका लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आरती श्री रामायण जी की। किरत कलित ललित सिय पिए के, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुकैसन कादिक शिष्य रुशारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी। आरती श्री रामायण, गावत वेद पुराण अष्टदश, सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि धन जन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभुभवानी, अरुभट सब गुण विज्ञान विज्ञानी, व्यासियादि कवि पर जब खान, काग भूषण के ही। आरती श्री रामायण जी। किरत कलित कलिबल हलनि विषय रस पीके, सुबग सिगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग दूर यवी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, या
रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।